हमने 25,000 पुस्तकों का ये पुस्तकालय इतने सुंदर ढंग से सजाया है, नैनाभिराम है, कि आप लोग सब इससे आकर्षित हों और यहाँ आएं। आपकी सूचना के लिए बता दें कि हमने यहाँ पढ़ने वालों से निश्चित किया है कि हम कोई भी वो नहीं लेंगे उनसे फीस। पुस्तकें जो जितनी पढ़ेगा हम उतने ही आह्लादित होंगे और हमें लगेगा कि हमारा काम सार्थक है। जब मैं पुस्तकों की बात करती हूँ या लाइब्रेरी की बात करती हूँ तो मेरे मन में एक ऐसी उपमा आती है जैसे कि मैं एक रंग बिरंगे फूलों की बगिया में आ गई हूँ और उसमें हर पुस्तक अपनी खुशबू बखेर रही है। पुस्तक पढ़ने की रुचि जो है वो हमको बहुत ज़रूरी है, हम अपने यूथ में दें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पुस्तक पढ़ने का जो वातावरण है, जो हमारी लाइब्रेरी या पुस्तकालय है, उसको इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि वहाँ उसको आने का मन हो, वहाँ के पढ़ने का मन करे, किताब खोलने का मन करे, और वो जिस वातावरण में उसको मज़ा आता है, जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे है आज का, उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करके वो कॉफ़ी पीते हुए भी अगर चाहे तो किताब पढ़ सकता है, वो अगर किताब पढ़ते हुए कुछ डिस्कशन करना चाहे तो वो भी संभव है। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के आज हम लोगों ने इस पुस्तकालय का को बनाया। पुस्तकें भी हम ऐसी लाएंगे ताकि उनको चाव हो, उनको अट्रैक्शन लगे पुस्तकें पढ़ने के लिए। मैं इस लाइब्रेरी में तब से आ रही हूँ जब से मैं कुछ 6-7 साल की थी। पहले मैं यहाँ पर आती थी तो इन्वायरमेंट कुछ ऐसा लगता था जैसे कि ये मेरे लिए बना नहीं है, ये छोटे बच्चों की जगह नहीं है, लाइब्रेरी बड़े लोगों के लिए। बट अब रेनोवेशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइब्रेरी सबके लिए है। हम यहाँ पे 3-4 साल से आ रहे हैं। पहले ये एक कमरा था किताबों के साथ, बट आज ये एक सही मायनों में एक लाइब्रेरी के हिसाब से बन चुका है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने में। मैं भारतीय भाषा परिषद का मेंबर 2018 में बना। पहले यहाँ काफ़ी कमियाँ थी, लाइक यहाँ पे बहुत लोग आते थे, पाठकों को बैठने की जगह बहुत कम थी, लगभग उस वक्त मानो तो यहाँ पे 6 से 7 चेयर ही थी बैठने के लिए पाठकों की। बट अब यहाँ का स्पेस काफ़ी बड़ा हो चुका है जिसमें पाठकों को कोई कमी नहीं है बैठने की, लाइक किताबों की भी अवेलेबिलिटी काफ़ी हो चुकी है। इस लाइब्रेरी का बहुत साथ रहा मेरे साथ, और मैं अगर कहूँ तो पहले और आज में क्या फ़र्क है। पहले ये लाइब्रेरी थी, हमने यहीं से शुरुआत की तो एकदम ऐसा नहीं कहेंगे कि ख़राब थी, लेकिन अब ये रेनोवेशन के बाद जैसा हुआ है, इतना आकर्षण, इतना सुंदर लगने लगा है, इतना यहाँ जी करता है, घंटों घंटों बैठो, पढ़ने में इतना मन लगने लगा है। परिवेश का ज़रूर कोई ना कोई असर होता होगा। जब आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, जैसे हम जैसे कन्फ्यूशियस को, इनको हमने बहुत पढ़ा है, उनकी किताबों को लेकर एक ऐसी बात, या किसी भी लेखक को जब हम ये पढ़ रहे हैं, ब्राउन को पढ़ रहे हैं, इस ये असल में हम पहले बहुत इसको महसूस करते थे। हम अपने कॉलेजेस में जब विद्यार्थी थे तो खुद भी आर्ट पेपर्स में ऐसे लेखकों की बातें लिख लिख के अपने क्लासरूम में दीवारों पर चिपकाते थे, और हर साल उसको 3 साल हम लोग जो कॉलेज में थे उसको चेंज भी करते थे। लाइब्रेरी में कलर्ड तस्वीरों में इस तरह से बोल्ड तरीके से लिख के जो पोस्टर्स चिपकाए गए हैं, इतना सुंदर लगता है। जो नए लोग आ रहे हैं वो भी इन लेखकों को जानते हैं, इनकी किताबों को लेकर क्या फीलिंग्स थी उनको देख रहे हैं, तो ये उदाहरण तो होने ही चाहिए। किताबों में घुसने से पहले किताबों के लेखक एक तरह से जैसे निमंत्रण दे रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं इन कोटेशंस के द्वारा, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। इस नवीनकरण में हमारे उपाध्यक्ष प्रदीप चोपड़ा जी ने जो कार्य कौशलता से नवीनकरण किया है वो उनकी विचारधारा को प्रेरित करता है, और हमें भी ये
सिखाता है कि पुस्तक प्रेम क्या होता है। भारतीय भाषा परिषद की सोच रही है जो निरंतर आने वाले दिनों में पीढ़ी दर पीढ़ी हर विद्यार्थी शोधार्थी और साहित्य प्रेमी सृजनशील व्यक्तित्व को प्रेरित करेगी। हमारा जो भारतीय भाषा परिषद है वो आप ही के लिए है। इसमें नीचे एक बहुत बड़ा पुस्तक केंद्र भी बन रहा है और हमारा पुस्तकालय तो आप देख ही रहे हैं। ऊपर हमारा एक सभागार है जिसमें हम सब सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, और अगर आप कोई साहित्यिक कार्यक्रम करेंगे तो हमारा वादा है कि वो हम आपको निःशुल्क देंगे। और मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़िए, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आज इतना बड़ा परिषद के मेरे जो यहाँ काम करने वाले मित्र हैं वो सारे के सारे इतने समर्पित हैं, वो आप देख सकते हैं कि पुस्तकें कितनी सुंदर तरीके से रखी हुई हैं। और इसके लिए हमारे सारा जो जितने लोग हैं परिषद के, हम लोग उन सब के आभारी हैं। और ये जैसे मीनाक्षी हैं, ये बालेश्वर जी के कारण आज हमारा ये इतना सुंदर पुस्तकालय जो है सजा हुआ है। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे बीच में एक नाटककार और कहानीकार भी हैं जिनका नाम है सुशील कांति, जो लिखने भी लग गए हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। अभी जो भी पाठक आते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, पहले तो इसका तस्वीर लेना शुरू करते हैं और व्हाट्सएप पर फेसबुक पर देना, इतना उनको अच्छा लगता है, जो लगता है जो कि अब बैठने लायक हुआ, अब लाइब्रेरी में 5 घंटा 6 घंटा बैठ सकता हूँ। आईलिट का जो प्रदीप चोपड़ा जी, उनका बहुत सपना है इस लाइब्रेरी को हम बहुत ऊँचाई तक ले जाएंगे। मेरी एक ख्वाहिश उनसे ज़रूर रहेगी, अगर वो चाहें तो, लाइब्रेरी अच्छी तरह से सज गई है लेकिन लाइब्रेरी में कुछ किताबें एक आध लाख के आ जाए तो बहुत अच्छी, जो करंट किताब हैं, जो समसामयिक किताबें हैं, जो छात्र छात्राओं को लगता है इस तरह की किताबें अगर उनको बढ़ाया जाए तो मुझे आशा है इस लाइब्रेरी में और पाठक बनेंगे, तेज़ी से बढ़ेंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा पाठक लाभ उठा सकेंगे। भारतीय भाषा परिषद का यह पुस्तकालय कोलकाता महानगर के लिए एक गौरव की बात है। इसमें कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, हुगली और आसपास के जिलों के विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए और अध्यापकों के लिए एक बड़ा अवसर मिला है कि वे यहाँ आएं और ज्ञान के मंदिर में बहुत सारी पुस्तकें हैं, हर महीने नई किताबें आ रही हैं, वे आकर के इन किताबों का लाभ उठाएं। कोलकाता में अपने ढंग का ये अनोखा पुस्तकालय बन चुका है और इसके लिए हमारे उपाध्यक्ष प्रदीप चोपड़ा जी ने जो सहयोग दिया है और अपने पुस्तक प्रेम का परिचय दिया है वो एक तरह से अनुकरणीय है। हम ये प्रयास करते हैं कि आप लोग जो पुस्तकें पढ़ते हैं या यहाँ पढ़ेंगे तो हम उनकी समीक्षाएं प्रकाशित करें। हमारे यहाँ एक तो पत्रिका छपती है वागर, जो कि हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है। इसके अलावा हमारे यहाँ डिजिटल के माध्यम से आप जब चाहें पोस्ट कर सकते हैं, सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, बस शर्त एक है कि आप किताबें पढ़िए।